उत्तराखंड से एक बड़े हादसे की खबर आ रही है। खबर रुद्रप्रयाग से है। यहाँ केदारनाथ हाईवे पर काकड़ा गाड़ के नजदीक पहाड़ी से अचानक बोल्डर गिरकर सीधे बस के अंदर जा घुसा। इस हादसे में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत की बात ये रही कि चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को सुरक्षित जगह पर ले गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि बरसात होते ही यात्रा मार्गों पर सफर करना बहुत ही खतरनाक हो जाता है। केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग को जा रही बस नंबर UK13PA0639 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ड्राइवर के सामने वाले शीशे से बस के अंदर आए पत्थर से दो लोग घायल हो गए। इनमें से एक उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले आकाश मलिक हैं, जिनकी उम्र 26 साल है, तो दूसरे बिजनौर के धामपुर के रहने वाले अमर सिंह, जिनकी उम्र 28 साल है। ये दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल अगस्त मुनि के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि बस चला रहे ड्राइवर अनिल प्रसाद ने बताया कि पहाड़ी से पत्थर गिर रहे थे। ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कुछ पलों के भीतर ही उन्होंने बस को तुरंत बैक करके पीछे सुरक्षित जगह पर लाकर रोक दिया। इस घटना के दौरान बस में बैठे दूसरे यात्री डरे हुए सहमे हुए नजर आए, चीख पुकार मच गए। बाद में सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से नीचे उतारा गया।